हाय गाइस, मेरा नाम मनान है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपने पुराने बैटरी को, जो बैटरी आपका रिटायर हो चुका है, जो बैटरी आपका ख़राब हो चुका है, उस बैटरी को आप रिपेयर कैसे करेंगे। मान के चलिए उस बैटरी से आप अपने मोबाइल को ऑन करते हैं, आपका मोबाइल ऑन नहीं हो पाता। उस बैटरी को आप अपने मोबाइल में लगा करके चार्ज करते हैं तो आपका मोबाइल जो है चार्ज नहीं हो पाता है, तो उस बैटरी को आप रिपेयर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही सब बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मन्ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं वीडियो, तो नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो, तो वीडियो के नीचे यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे हाथ में एक लावा का स्मार्टफोन है और ये मोबाइल जो है चार्ज नहीं हो रहा है और ना ही ये मोबाइल ऑन हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसी मोबाइल में एक दूसरी बैटरी मैंने लगाया और दूसरी बैटरी लगा के जब मैंने देखा तो ये मोबाइल ऑन हो रहा है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम जो है वो बैटरी में है, मोबाइल इसका बिल्कुल ठीक है। तो इस बैटरी को हमें रिपेयर करना है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस बैटरी को लगा के आपको कि ये मोबाइल, आप देख सकते हैं कि ये मोबाइल अभी ऑन नहीं हो पा रहा है। चलिए, अब इसमें हम दूसरी बैटरी लगा के आपको दिखाते हैं कि ये मोबाइल ऑन हो रहा है और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस बैटरी को रिपेयर कैसे करना है। तो चलिए, किसी दूसरे फोन का ये बैटरी है, इस बैटरी को लगा के हम आपको दिखाते हैं कि ये मोबाइल जो है ऑन हो रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दूसरी बैटरी को जब मैंने इस मोबाइल में लगाया तो ये मोबाइल जो है ऑन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जो ये मोबाइल जो है बिल्कुल ठीक है और इसका जो बैटरी है वो ख़राब है। तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि इस बैटरी को हमें कैसे रिपेयर करना है, कैसे इस बैटरी को हमें चेक करना है कि इस बैटरी में आखिर जो प्रॉब्लम है वो क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, बैटरी को हम निकाल देते हैं, उसके बाद हमें बैटरी को चेक करना है कि इस बैटरी में आखिर जो प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आप देख लें इस बैटरी को कि ये बैटरी जो है कितने वोल्ट का है। मैं आपको दिखा देता हूं कि ये बैटरी कितने वोल्ट का है, आप ध्यान से देखें, यहाँ आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये बैटरी जो है 3.8 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। चलिए, अब हम इस बैटरी की जो चार्ज है उस वोल्टेज को हम नापते हैं कि आखिर इसमें जो अभी वोल्टेज आ रही है तो कितनी वोल्टेज आ रही है, 3.8 वोल्ट आ रही है या उससे कम आ रही है या उससे ज़्यादा आ रही है, ये चीज़ हमें अभी देख लेना है, पहले चेक कर लेना है, तब हम आपको बताएंगे कि इस बैटरी में आखिर प्रॉब्लम क्या है और ये प्रॉब्लम जो हुई तो आखिर कैसे हुई। दोस्तों, अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये बैटरी जो है 3.8 वोल्ट की बैटरी है और इस बैटरी में जो अभी प्रॉब्लम है इसका प्रॉब्लम हम चेक करते हैं अपने मल्टीमीटर से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बैटरी को चेक करने के लिए आपको अपना मल्टीमीटर जो है 200 के रेंज में आपको रखना है, उसके बाद आपको बैटरी का जो है वोल्टेज आपको चेक करना है। तो चलिए, हम इस बैटरी का जो वोल्टेज है उसे हम पहले चेक कर लेते हैं।
दोस्तों आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, चलिए हम आपको जूम करके दिखा देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे और आप समझ सकें कि इस बैटरी को हमें कैसे नापना है, इसकी वोल्टेज हमें कैसे चेक करनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो प्लस वायर है मल्टीमीटर का उसको हमने बैटरी के प्लस पर रखा है और जो माइनस वायर है मल्टीमीटर का उसे हमने बैटरी के माइनस पर रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 4.0 वोल्ट दिखाया, ठीक है। आप दूसरी बैटरी को मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो बैटरी से मैंने इस मोबाइल को भी ऑन किया था, ये दूसरे मोबाइल का बैटरी है। इस बैटरी का भी वोल्टेज मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। आप इस बैटरी को पहले देख लें कि ये बैटरी जो कितने वोल्ट का, ये बैटरी 3.7 वोल्ट का है और इसकी जो वोल्टेज है पहले मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसकी जो वोल्टेज है कितनी आ रही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये बैटरी 3.7 वोल्ट का है और इसमें जो वोल्ट आ रही है 3.56, ठीक है। इसका मतलब है ये बैटरी बिल्कुल कंप्लीट ठीक है और इसका चार्ज जो है ओवर नहीं है, बिल्कुल इसका चार्ज सही है। और चलिए फिर से मैं आपको ये दूसरी बैटरी को आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, जो कि बैटरी ख़राब है लावा है स्मार्टफोन का। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो 4.0 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बैटरी है 3.8 वोल्ट का और इसमें 4.0 वोल्ट आ रहा है, इसमें 2 वोल्ट जो है अधिक आ रहा है, 2 पॉइंट जो है इसमें अधिक है। इसका मतलब ये बैटरी जो ओवरचार्ज है। तो दोस्तों ये बैटरी जो ओवरचार्ज हुई ये कैसे हुई, इसके बारे में आपको अंत में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि बैटरी ओवरचार्ज कैसे होता है और किस कारण से होता है। उससे पहले मैं इस बैटरी को रिपेयर करने के बारे में आपको बता देता हूं कि बैटरी को हमें कैसे रिपेयर करना है। तो इस बैटरी को रिपेयर करने दोस्तों मैं आपको दिखा दूँगा, यहाँ पर मैंने जो है 12 वोल्ट का जो है DC बल्ब जो है मैंने इसमें जो है सेट करके रखा है और इस बल्ब को इस बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे ताकि इस बैटरी का जो चार्ज है वो कम हो सके, क्योंकि 4.0 वोल्ट इसमें आ रही है बैटरी में और इस बैटरी का जो चार्ज है हमें लगभग 3.8 या 3.7 हमें करना है और इसको इसका जो चार्ज है इसका चार्ज को ख़त्म करने के लिए हमें ये जो बल्ब लगाना पड़ रहा है, ठीक है। और इस बल्ब को लगा करके तकरीबन 10 मिनट या 15 मिनट हम छोड़ देंगे तो इस बैटरी का जो चार्ज है ऑटोमेटिक जो है कम होने लगेगा और जब इसकी चार्ज कम हो जाएगी तो ये मोबाइल को ऑन करेगा। तो चलिए हम इसका बैटरी को इस बल्ब में लगा करके छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे मैंने बैटरी को इस बल्ब से कनेक्ट किया तो ये बल्ब का जो फिलामेंट है ये जल रहा है और क्योंकि ये बल्ब जो है 12 वोल्ट का है और ये बैटरी जो है 3.8 वोल्ट का है इसलिए इसमें रोशनी पूरी नहीं आएगी, इसका सिर्फ फिलामेंट जलेगा। लेकिन इसी हालत में हम इसको छोड़ देंगे ताकि इसका चार्ज जो है कम हो सके। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बीच हमें इस बैटरी को इस बल्ब में लगा करके छोड़ देना है ताकि इसका चार्ज कम हो सके और उसके बाद फिर इस बैटरी को हम जो है अपने मल्टीमीटर से 200 की रेंज में नापेंगे कि इसका जो वोल्ट है कम हुआ है, 4.0 से कम हुआ है कि नहीं हुआ, तो हमें चेक करना है। जब तक इस बैटरी का जो चार्ज है वोल्ट जब तक कम ना हो, 3.7 या 3.8 ना हो, तब तक हम इस बैटरी को मोबाइल में लगा करके ऑन नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस बैटरी को अब हम निकाल लेते हैं और इसका जो वोल्टेज हम चेक करते हैं कि इसमें जो वोल्ट 4.0 आ रहा था इसका वोल्टेज कुछ कम हुआ कि नहीं, ठीक है। तो चलिए पहले इस बैटरी को हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जो वोल्टेज है ये कम हो चुका है, अब ये 3.8 पर आ चुका है और इस बैटरी को अब हमें अपने मोबाइल में लगा के देखना है कि ये मोबाइल को ऑन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये बैटरी का जो है वोल्टेज है 2 पॉइंट जो है कम हो चुका है, अब इसका चार्ज जो है ये 3.8 दिखा रहा है। आप देख सकते हैं सामने में कि इसका जो चार्ज है 3.8 दिखा रहा है। चलिए अब हम इस बैटरी को मोबाइल में लगा करके ऑन करके देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल जो है ऑन हो चुका है और हमारा बैटरी जो है बिल्कुल ठीक हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी ओवर चार्ज बैटरी को रिपेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं और भी दोस्तों कि अगर आपका बैटरी मान के चलिए बिल्कुल ओवर चार्ज नहीं है, उसमें बिल्कुल 0 वोल्ट है, तो उसे भी आप रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अगली वाली वीडियो में बताऊंगा कि आप 0 चार्ज वाले बैटरी को कैसे रिपेयर कर सकते हैं या उस बैटरी का जो अगर जिनर डाउट अगर ख़राब हो उसे कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर, और आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।